जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए एट 5% पर एनम एनम इज ₹328। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड द सेम पीरियड विल बी, यानी एग्जामिनर ने कहा उसके पास एक अमाउंट है, उसने उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, 2 साल के लिए दिया, 5% पे दिया, तो उसे साल के 2 साल के अंत में ₹328 क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि यदि उसे सिंपल इंटरेस्ट पे देगा तो उसे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो 5% दे रखा है, इस 5% का मतलब है 5/100, तो यानी कि इसे सोल्व करूँगा तो 1/20, यानी कि अगर ₹20 का शुरू में था तो 1 साल में उसने ₹1 दिया होगा। अगर उसके पास ₹20 थे और उसने इंटरेस्ट यहाँ पर ₹1 दिया, तो उसके साल के अंत में उसके पास जो रुपये होंगे वो ₹21 होंगे। बट ये कितने साल के लिए थे, 2 साल के लिए, तो इसका दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास में, आपका 400, और ये कितना आएगा 441। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम तो डिफरेंस मेरे पास आएगा 41, बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये 328 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3200, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो 3200 आ गया। अब एग्जामिनर ने पूछा था मेरे से इंटरेस्ट, तो 2 और 5, 2 तो ईयर था, 5% था, यानी कि 10/100, इसको काटेंगे तो क्या ₹320 इसका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आएगा वो आपका डी आएगा। चलिए इसे एक बार और देखते हैं। चलिए इसको एक बार देखते हैं कि अगर ये ₹100 था, मैंने मान लिया कि एज्यूमिंग ₹100 उसके पास था, तो पहले साल उसने ₹5 इंटरेस्ट दिया होगा 5% के हिसाब से, दूसरे साल भी 5% दिया होगा, यानी ₹5 दिया होगा, इस 5 का यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा तो 0.25 आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 10.25 मेरे पास क्या आएगा, ये इंटरेस्ट आएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है ये इंटरेस्ट कितना है, 328 है, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 328 और 00/1025 से, अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल ये अमाउंट जाएगा। इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 328 00/1025 100 करते ही क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% था, टाइम पीरियड मेरा 2 था, सेम, यानी कि 5 × 2 यानी 10 लिखता हूँ उसमें, 10/100, इससे ये चल जाएगा मेरा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना 328, और ये मेरे पास कितना आएगा, 000 आ जाएगा। इसको से डिवाइड कर लेते हैं, 1025, ये किस पे जाएगा, आपका 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो 25 75 0, और ये 3, तो यहाँ जो बचेगा मेरे पास में 5 बचेगा, ये मेरे पास 1 बचेगा, और ये मेरे पास में 2 बचेगा, यहाँ से फिर मैं 0 उतारूँगा। फिर किस पे जाएगा, आपका 2 पर जाएगा, जब ये 2 पर जाएगा तो ये कितना होगा, 25 दूनी 50, और ये कितना आएगा आपका, 25 दूनी 50, अच्छा सॉरी, ये 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50, और ये 20, यानी कि 320, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।